स्वागत है भाई आप सभी लोगों का कोपनहेगन डेनमार्क में। कल तो भाई मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ ट्रेन लेट के चक्कर में, बहुत ज़्यादा भाई। यहाँ पहुँचा था मैं 8 बजे और अब शायद थोड़ी थोड़ी बर्फ़ गिर रही है। वेदर तो मतलब ऐसा ही है, 0-1-2, पर हवा चल रही है और धूप नहीं निकली हुई। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा स्कैंडिनेविया की ये कंट्री जिसका नाम है डेनमार्क, ये कितनी महंगी है। और मतलब उसके साथ साथ महंगी महंगी मैं रेट नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, उसके साथ साथ कोपनहेगन सिटी भी घुमाऊंगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा ना। तो जो डेनमार्क है 2022 में जो सर्वे हुआ था उसके हिसाब से 10th मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है पूरे वर्ल्ड में रहने के लिए, 10वीं सबसे महंगी सिटी है कोपनहेगन। तो इसका अंदाज़ा देखो अब घूमने से ही पता चलेगा, क्योंकि मैं दुनिया की सबसे महंगी सिटी में तो जा चुका हूँ जो कि है ज्यूरिख और टेल अवीव। टेल अवीव है जो कि इज़राइल की कैपिटल, तो दोनों में मैं जा चुका हूँ। अब यहाँ पे घूमने के बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि सच है या फिर नहीं। और अभी हम निकल रहे हैं और यहाँ पर ना थोड़े रंगीन घर हैं और कंट्रीज़ की तरह नहीं है, जैसे पिछले नीदरलैंड बेल्जियम गया था मैं, वहाँ रंगीन नहीं थे, वहाँ ब्राउन ब्राउन शेड में थे सारे घर, यहाँ रंगीन घर है। तो सबसे पहले भाई कल मैं आया था तो हमने एक छोटा सा बिल्कुल पतला सा पिज्ज़ा खाया था राजा और मैंने, जिसका हमको पड़ा था खर्चा 90 डेनिश क्रोने। हाँ, यहाँ की करेंसी है डेनिश क्रोने, दिखाता हूँ कहाँ भाई, कि यहाँ की जो करेंसी है वो है डेनिश क्रोने। ये यूरो यूज़ नहीं करते हैं, स्कैंडिनेविया में सिर्फ एक कंट्री यूरो यूज़ करती है। स्कैंडिनेविया कंट्रीज़ हैं नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीडन, उसमें से बस एक कंट्री यूरो यूज़ करती है जिसका नाम है फिनलैंड, और सारी कंट्रीज अपनी अपनी करेंसी यूज़ करते हैं। तो एक डेनिश क्रोने का रेट हो गया 12 रुपये के करीब है, ठीक है। और यहाँ पे रेड लाइट में कर लेते हैं लोग क्रॉस, ये भी कर लेते हैं कि स्कैंडिनेविया में क्या ठंड ज़्यादा होती है तो लोग ज़्यादा खड़ा होना प्रेफर नहीं करते। तो हमारा पिज़्ज़ा कितने का हो गया, 90 को कर लो आप 12 से मल्टीप्लाई, तो 90 रुपये का वो पिज़्ज़ा था और बिल्कुल मतलब वर्थ नहीं था। अब चलते हैं, हम जा रहे हैं अभी इंडियन रेस्टोरेंट, देखते हैं कितना क्या महंगा, क्योंकि भाई मेरा पेट नहीं भरा और मैं भूखा मर गया, तो इंडियन रेस्टोरेंट जाके पेट भरता हूँ पहले। भाई ये तो मेरे को चलते चलते ऐसे ही मिल गया कि मैं चल रहा था और ये मिल गया, फिर मैंने रेट देखे तो मेरे को बहुत सस्ता लगा, तो मैंने कहा यहीं खा लेता हूँ और मैं आपको से रिव्यू बताता हूँ। आज अभी आ गया मेरे साथ आधा खाना, ये भी खा गया खाना, तो बुलाया मैं तो खुद लेने वाला था, ये खत्म नहीं कर पाता। हाँ तो भाई मतलब ये था 115 में चिकन टिक्का मसाला विद राइस था, तो मैंने जल्दी जल्दी में ऑर्डर कर दिया क्योंकि भाई भूखी इतनी लगी थी। वरना एक ऑप्शन और है आपके पास जो कि 3 बजे तक खुलता है, वो है चिकन करी विद राइस, वो है 75 का सिर्फ। और मेरे को नहीं लगता भाई पूरे यूरोप में मैंने आज तक 75 क्रोना कितने हो गए मेरे हिसाब से 900 रुपये हो गए भाई, 10 यूरो, 900 रुपये हो गए। हाँ 900 रुपये हो गए, 10 यूरो में मेरे को नहीं लगता आपको चिकन विद करी विद राइस मिलेगा, और वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी। भाई मैं ऐसा था कि खा के मैं पैक करा के भी लेके जा सकता था और एक बार और खा सकता था, तो खा लिया। हाँ मतलब हमारा ठीक ठाक पेट भर गया कि अब 4-5 घंटे तक ठीक है और फिर कुछ और खा लेंगे। तो ये मतलब अभी नया ही खुला है तो ये इसका ना रिव्यूज़ नहीं थे तो मैं इस पे जा नहीं रहा था, पर दिखा मेरे को सस्ता लगा क्योंकि दूसरे पे जा रहा था वहाँ पे 150 प्राइस था, तो मैंने कहा 150 में भी खाने में मैं एग्री था कि चलो कोई बात नहीं 1800 में खा लेंगे, पर यहाँ पे सस्ता हो गया काफ़ी, 115 में हो गया। ये है डेनमार्क का सबसे छोटा नोट जिसकी वैल्यू हो गई 600 रुपये हो गई इसकी वैल्यू, 12 से मल्टीप्लाई करें तो, ठीक है। तो ये सबसे छोटा और सबसे बड़ा आता है इनका 1000 वाला हो गया कुछ 12000 के करीब, मैं निकलवाता 1000 वाला पर मेरे हिसाब से निकलेगा नहीं एटीएम से, नहीं वो बैंक से करना पड़ेगा, बैंक से करना पड़ेगा तो वैसे भी नहीं दिखा पाता। ये इनके सिक्के, बहुत सारे सिक्के हैं, ये 5 करोने का है मतलब ये 60 रुपये का हो गया, ये 20 करोने का सिक्का है 5 वाले से छोटा है, ये 250 रुपये का सिक्का हो गया, और ये 10 करोने का है, ये 120 रुपये का सिक्का हो गया। ये है डेनमार्क का फ्लैग और सारे स्कैंडिनेविया का ऐसा ही है, क्रॉस सा बना हुआ है सब में,
अगली दो कंट्री भी जाएंगे। नॉर्वे का तो ऐसा ही है लाल लाल, नॉर्वे का ऐसा ही है भाई। ये टेस्ला जैसी साइन वाली कार, पोल स्टार, बढ़िया लग रही है यार गाड़ियां तो इनकी। इलेक्ट्रिक ये सारी और नई कंपनी है। देखो यूरोप में कितना भरोसा चल रहा है। हम आ गए इस दुकान पे, मेरे को मैग्नेट खरीदना था, अब मैं उतार के लेके भाग जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं, बस लिखा है बैक इन 5 मिनट्स। हाँ तो इतना कौन एक मैग्नेट के ऊपर पुलिस मेरे पीछे भेज रहा है, मतलब हाँ वैसे कैमरा तो है ही, पर वो आके बड़ा देखेगा कि एक मैग्नेट यहाँ से गायब है। चलो 29 का है, 4 यूरो का, महंगा है यार डेनमार्क। देखो मैंने वहां से कहाँ से लिया था, एम्स्टरडम से 1 यूरो का लिया था मैंने। एम्स्टरडम में 1 यूरो का मिल गया। आगे भाई कोपेनहेगन के, ये कह सकते हो एक तरह से मेन स्क्वायर, एक अच्छी सी अट्रैक्शन पे जा रहे हैं हम। जो आप कोपेनहेगन लिखोगे ना तो वही अट्रैक्शन आती है, मस्त कलरफुल बिल्डिंग जैसी वहाँ पे है, और वहाँ पे मतलब बोट वोट खड़ी होते, फोटो खिंचाने के लिए काफी अच्छी है। मेरे को फ्रांस के झंडे में एम्बेसी होगी फिर, तवड़ा फ्रांस का। ये देखो यहाँ पे ये क्या चीज है, अब ओपेरा वगैरह भी होते हैं यार इन देशों में। अच्छा है पर आज यार मौसम खराब है। अबे वो क्या सऊदी अरेबिया का झंडा है क्या है? ये आ गए भाई वो सारे घर रंग बिरंगे। ये है मतलब कोपेनहेगन की जो आप कहते हो मेन सड़क, जिसपे सारे लोग फोटो वोटो खिंचवाते हैं। और क्या नाम है इसका, नवेल। भाई ये पता नहीं राजा कहाँ लेके जा रहा है, अभी तो यहाँ आ गया। और बहुत ठंड हो गई भाई, पूरे बादल और हवा फुल स्पीड में चल रही है। उतना ठंड नहीं लग रहा यार अभी, कहाँ चल रहा है? नॉर्वे में ज्यादा ठंड लगेगा। कहाँ चल रहा है? हम लोग क्रिस्टिनिया पे जा रहे हैं। तो क्या है? पहले एक मिलिट्री बेस हुआ करता था, वहाँ भी हो चुका है इलीगल चीज, इलीगल जगह जहाँ पे कुछ भी मिलता है, कुछ भी बिकता है, बट पुलिस दिमाग नहीं लगाता, बट बहुत सेफ है भाई। ये है ग्रीनलैंड का फ्लैग, ये वाला है डेनमार्क का, और ये है फेरो आइलैंड का, और ये आइसलैंड का। ये सारी जो आइसलैंड के अलावा दोनों टेरिटरी है डेनमार्क के अंडर आती हैं। तो भाई ये है वो जगह इलीगल, इसके अंदर आप वीडियो वगैरह नहीं बना सकते, क्रिस्टीना करके जगह का नाम है, ठीक है। बच्चे वगैरह भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अनसेफ वगैरह है। अंदर जाके हम तो कॉफी पियेंगे, बस दिखा नहीं पाऊंगा। आप आओ तो फिर खुद आ सकते हो, इस चर्च के पास है, चर्च भी मस्त लग रही है। यूरोप में कभी कभार आपको मिल जाएगी फ्री टॉयलेट। ओ खुद ही बंद हो रहा है दरवाजा। घूम जा। अच्छा नहीं, नहीं हो रहा, हैंग हो गया दरवाजा। भाई ठीक है, खोल दे भाई तू। भाई ये बटन दबा के खोला था, सीन क्या हो गया? अब देखो यहाँ पे फ्री लिखा आ जाएगा, नहीं अब ऑक्यूपाइड लिखा आ रहा है, अब तू खोल नहीं पाएगा। अभी हमेशा के लोग को पैड हो गए। अच्छा आवाज आ रही है, फ्लश कर रहा है, अभी निकलेगा। भाई ये आ गया एम्यूजमेंट पार्क, और ये रोलर कोस्टर भी है इस वाले में। ओल्डेस्ट रोलर कोस्टर है, सेकंड ओल्डेस्ट है। ये ओल्डेस्ट भी डेनमार्क में है। डेनमार्क की सबसे पहले रोलर कोस्टर खिलौने विलौने सब डेनमार्क से शुरू हुए थे। लीगो भी यहीं से था। लेगो जो अपना सब खेलते, हम लोग तो खेलते हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, बट लेगो भी यहीं से आया था। और इसका एंट्री शायद 3,000 रुपए है, पर अभी बारिश की वजह से बंद है, वरना तो जाते। मतलब ये कि सर्दियों में मेरे को लग रहा है बंद कर देते होंगे, क्रिसमस न्यू ईयर पे खुला दो क्योंकि तब तो यार यहाँ मेला वेला सा लगता होगा, पर अभी इतनी ठंड हो गई है -2-4 में कौन यहाँ पे रोलर कोस्टर पे हवा खाने आएगा, वैसे ही खा लो, यहाँ बहुत लग रही है। तो भाई मैकडी में आ गए, और अबे अच्छा हाँ यहाँ देख लो कितना क्या महंगा है। नो थैंक्स अवार्ड नहीं चाहिए हमको, इंग्लिश टेक अवे का ही ऑप्शन है बस।
फिर टेक अवे करके तो क्या ही करेंगे। अच्छा एस्प्रेसो 15 यहाँ तो सस्ता है, तू यहाँ पीता? नहीं नहीं यूरोप में ऐसा है कि टेक अवे करोगे तो 5-6 करोड़ सस्ता कर देते हैं। अच्छा बट आप टेक अवे लेके भी बैठ जाओ फर्क नहीं पड़ता, तो मैं टेक अवे करके बैठ जाता हूँ। तो यहाँ तो सस्ता पड़ता 10 की, पर शायद छोटी पड़ती वहाँ पे। क्रिस्टीना में पी के आया 20 की। वो क्रिस्टीना स्पेशल जगह है ना, वो फ्री टाउन क्रिस्टीना है। अभी देखो इतने बड़े डॉक्टर के साथ आओ, 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, इनके साथ तो खर्चा करना ही पड़ेगा, वरना तो मैं हूँ बिगाड़ी ट्रैवलर, बजट ट्रैवलर। क्या क्या खर्चा किया तूने कल से, क्या क्या खिलाया? अभी देख बैग में है ना शैंपेन, भाई के लिए मैंने शैंपेन लाया, भाई पीता नहीं है, बट 1 मिलियन हुआ है तो शैंपेन तो उड़ाना बनता है। दिखा मैकडॉनल्ड्स को, थोड़ी दिखाऊं कहाँ उड़ाएगा तू इसको, ढूंढते जगह। ये 3 यूरो की, 3 यूरो की नहीं मिलती है, इटली नहीं है, महंगा है। मेड इन इटली लिखा है। हाँ पर इटली नहीं है ये। भाई ये देखो ये ऊपर से आता है पैकेट, उसमें बैठ के अभी आएगा तो मैं कोई दिखाता हूँ। ये ऐसे आ रहा है बैठ के, सही है, इसको बस डिलीवरी करनी है। किचन विचन सब हिडन है। ये देखो एक और आ गया, यार थोड़ा ना मैंने और यूरोपियन कंट्रीज में इतना नहीं देखा कि बाहर ही रख दें, पर स्कैंडिनेविया में काफी ज्यादा ट्रस्ट पे चल रहा है, जैसे गाजर रखी है बाहर, और बाहर ऐसा कुछ कैमरा भी नहीं लगा मैं गाजर लेके भाग जाऊं तो ये चलता है। अबे मैं बता रहा हूँ क्योंकि अब ये बात है भाई, देखो इंडियन बंदे यार चलता तो है दिमाग में कि इतना इंडिया में नहीं होता, तो मतलब इंडिया में नहीं है ना ट्रस्ट लोगों पे, तो मतलब होगा इंडिया में, इसलिए ऐसे बाहर नहीं रखते। इधर का पॉपुलेशन पता है कितना है? सिर्फ 50 लाख है। हाँ तो चलो ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि यूरोप में भी हर जगह ट्रस्ट है, वहाँ यहाँ पे भी बहुत चोरी डकैती है भाई। सिर्फ मेरे को डेनमार्क में अभी तक मिला है ये बाहर रखने वाला सिस्टम, और मैंने सुना है इंडिया में शायद मिजोरम साइड भी है कुछ ऐसा कि बाहर वो रेडी लगा देते हैं और वो अपने आप पैसे डाल के चले जाओ। तो किसी को और पता हो तो इसके बारे में जरूर कमेंट करना। तो मैंने दिखाया था पहले ये अम्यूजमेंट पार्क के एंट्रेंस है, और यहाँ पे एक लीगो का स्टोर। लेगो आपको नहीं पता तो वो ब्लॉक से होते हैं जिनसे आप काफी चीजें बना सकते हो, और ये लेगो मतलब यही डेनमार्क की कंपनी है, मेन तो नहीं है स्टोर पर है भाई। ये एक मशीन है जिसमें 800 क्रोना मतलब ये कितने 10,000 रुपए कुछ हो गए, 10,000 के करीब मान लो। इसमें आप अपनी एक फोटो अपलोड करोगे इस मशीन में, ठीक है, तो आपको लेगो पीसीस दे देगा, ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स ना यहाँ से निकल जाएंगे सारे, और ये नहीं पता कितनी देर में निकलेंगे, इतना सब तो नहीं बताया उसने। तो ऐसा मतलब ये दे, तो ये आपको खुद ही पीसीस लगाने पड़ेंगे सारे, ये ना सिर्फ पीस, हाँ पीसीस देंगे ये बस। तो भाई यहाँ पे इतने सारे पीसीस रखे हैं, ठीक है, ये आप मतलब अपने हिसाब से, मतलब ऐसे किलो के हिसाब से नहीं है, इसमें डाल 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 दो जैसे है। ये 150 क्रोना का पर काफी बड़ा है ना, ये काफी बड़ा है, कुछ तो अच्छा अच्छा बन ही जाएगा, पर आपको सिलेक्टिव लेना पड़ेगा। पर 150 मेरे को लग रहा है इसमें सारा अपना वो बन जाएगा जो नीचे फोटो थी 800 वाली, पर खुद बनानी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा और क्या कलर चूज करना है वो भी पड़ेगा। और 150 का मतलब हो गया कितना अपना, 1800 एक चिकन करी खा लो यहाँ पे 150 की, या ये बना लो ये ना, अबे मत उखाड़ भाई, थोड़ा पूरा गिर जाएगा तो बोलेगा पूरा दिन बनाओ, ऐसे लग भी रहा है पूरा दिन रहने का भाई, ये पता नहीं कैसे बना है, ग्लू से चिपका रखा है पूरा। अगर इसका लेने जाओगे तो मेरे को लगता है 1.5-2 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे। हाँ एक बाल्टी में इतना, एक का हाथ आएगा एक बाल्टी में। मैंने पूछा सबसे सस्ता माल बताओ क्या है पूरे स्टोर में, तो ये था 21 का, तो अभी इसमें से कुछ भी निकल सकता है, और ये अभी बैठ के बनाएगा। खोल दे भाई, ये है सीजन, दिखा भाई क्या निकला। चल लड़की तो नहीं है लगता, लाल टोपी वाला। अच्छा ये निकला है ना, तो ये होगा, ये पता नहीं बनाते हैं ना फटाफट अभी। अरे अच्छा पूरा गाइड सी दे रखी है। हाँ। और ये इतने पीसेस हैं, कितना लगे मैंने? अच्छा ये वाला निकला है तेरा, देख इसने ये हैट पहन रही है ना, ये वाला अच्छा मिला है ना। हाँ, बड़े वाला मिला है तेरे को। हाँ, लाल लाल सही है। और इसका मेरा पड़ा 250 रुपए, ये मिला है तेरे को, ये वाला 250 रुपए मिला है, सही है 250 रुपए में भाई। डेनमार्क में आ रहे हो, 250 का कॉफी नहीं मिलता है, देखो खरीद ला। बचपन में तो पैसे नहीं थे ये सब लेने के लिए, टीवी में देखता था, अभी थोड़ा बहुत पैसे है तो ले लेते। राजा का गार्ड, मेरा पहला लेगो जिंदगी का, आप भी लेगो खरीदो और हमें बताओ। ये एक्स्ट्रा भी दिए भाई 3 पीस ना, तो ये बन गया। दोनों में तलवार पकड़ाना चाहो दोनों में तलवार पकड़ा दो, या फिर दोनों में तलवार पकड़ा दो, और एक्स्ट्रा ये कॉलर दिया है। चल मजे कर। अब मैकडी के रेट आपने देख लिए, और यहीं पे एक सुपरमार्केट है इरमा करके, अब ये मेरे को नहीं पता है डेनमार्क में फेमस है
सस्ता है महंगा है, एक नॉर्मल सी यहाँ पे सुपर मार्केट है, इसमें हम घुसते हैं और देखते हैं आगे कुछ कुछ चीजों के प्राइसेस। तो बोला कि फूल ला मेरे को रिसीव करने के लिए स्टेशन पे, तो मैं फूल लेने आया था तो भाई देखो 2000 रुपए का फूल आएगा इधर, 150-150 करोना का, 1 करोना इज इक्वल टू 12 रुपीज आज के हिसाब से, तो छोटे वाले ले आता है यार, पर ये तो देख के तू रो देता, तो खुद रोए हुए फूल है, तो भाई फूल से तो अच्छा है जो मैं लेके आया हूँ शैंपेन उड़ाते हैं। भाई अगर आप मतलब कहीं ट्रैवल कर रहे हो, जैसे कल मैं स्वीडन जा रहा हूँ ठीक है, ट्रेन स्टेशन पास में है, तो यहाँ बटर चिकन मिल रहा है 60 करोना का, ये 60 का वो बस गर्म करो और खा लो, तो ये सही है यार, मैं सोच रहा हूँ कल यहीं से ले लूँगा, ये ट्रेन जर्नी है 5-6 घंटे की, खाते हुए जाएंगे। भाई मेरे को एक नई चीज़ मिली आज तक किसी सुपर मार्केट में नहीं मिली, इसमें क्या है आप टेम्परेचर चेक कर सकते हो इससे, 60 डिग्री 66 ये फ़ारेनहाइट में सेल्सियस में, तो अगर आप कुछ बना रहे हो तो चेक कर, ये 4000 का ही है, अच्छा नहीं 60 का है, 700 रुपये। यूरोप में बहुत अजीब अजीब चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि कहाँ से मिलेगा ये दूध है, लिखा है डोंट कॉल मी मिल्क, भाई अच्छा उठाऊंगा नहीं तो तेरे को क्या बुलाएं, फिर मैंने पढ़ा कि कहाँ लिखा था 100% प्लांट बेस्ड, भाई दूध कैसे बना दिया प्लांट बेस्ड। ये मैंने आपको क्रोएशिया में दिखाई थी जहाँ पे आपको एक बॉटल रिटर्न करने के मिलते थे 7 सेंट, पर यहाँ पे आपको एक बॉटल रिटर्न करने के मिलेगा 1 करोना, और जैसे मतलब कोई अगर आप बॉटल खरीदते हो ना और 20 करोना की है तो आपको बेचेंगे वो 21 में, कि आप रिटर्न करो तो आपको 1 करोना की रिसिप्ट वापस मिलेगी। ट्यूबॉर्ग और जो कार्लसबर्ग बियर है ये डेनमार्क की बियर है, तो ये है पैक 6 का पैक 65 का, एक का 10 पाउंड लेते हैं तो एक का 130 रुपए, तो 100 महंगी होगी फिर, यहाँ पे इंडिया से महंगी है, यहाँ पे मतलब इंडिया में हो गई नहीं, इंडिया में इतना छोटा कहाँ मिलता है, मिलता है क्या, एक लॉलीपॉप है भाई इंडिया में तो 4 रुपए की आएगी, यहाँ पे मिल रहा है 4 करोना की, यानी 50 रुपए, खाओ यार 50 रुपए में लॉलीपॉप। से आप जापान वगैरह में ना आपको रेडी टू ईट मील वहाँ पे मिलेंगी, पर वहाँ पे तुरंत माइक्रोवेव करके आप तुरंत बैठ के वहाँ पे खा सकते हो, पर यूरोप वाले भाई आलसी हैं, माइक्रोवेव कौन करे, ठंडा ही खा लेंगे या फिर गर्म करने का ऑप्शन ही नहीं, अब बटर चिकन थोड़ी ना ठंडा खाऊंगा मैं नहीं, पर ये लोग सलाद वाला जो खाते हैं ठंडा ही खा लेते हैं। भाई पानी की बोतल अपने साथ कैरी करना हमेशा, ये जो लिखा है ना प्लस पैंट, मतलब आपको इसके साथ पैंट नहीं मिलेगी, बोतल के साथ आपको 1 करोना एक्स्ट्रा लगा देंगे तो आपको 1 करोना एक्स्ट्रा लगा देंगे, ये आपको बोतल वापस करोगे उस मशीन में तो 1 करोना वापस मिलेगा। आज तक जिंदगी का सबसे महंगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक टिकट के लिए मेरे को नेदरलैंड मिला है, 3.5 ना, हाँ 3.40 यूरो, तो इसमें पहले इंग्लिश कैसे करें, इंग्लिश में ये है, अच्छा नहीं ये वहाँ पे तेरे को कार्ड खरीदना पड़ेगा, चलो ये वाली है भाई टिकट की मशीन, 16+ अडल्ट 24 की आएगी पूरी सिटी की, 2 जोन है ना ये, हाँ 2 जोन, और जोन 1 का इधर शायद मिलेगा नहीं, हम लोग क्या जोन 2 में बैठे हैं क्या, अदर जोन टिकट्स 2 जोन ही इधर ऑप्शन है, लगता है हम लोग जोन 2 में है अभी, तो जोन 1 का ऑप्शन नहीं है, जोन 1 जोन 2, तो 24 का है मतलब, हाँ और जोन 1 का लोगे तो 12 का है, 12 का मतलब हो गया 145 रुपए। फोन से तो कंपेयर नहीं कर पाया मैं, पर यहाँ पे 2 दिन का जो 48 घंटे का नीदरलैंड में टिकट थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की 15 यूरोस, और यहाँ पे थी 150 करोना, जो कि बैठते हैं लगभग इक्वल 20 यूरो, थोड़ा सा 20 से भी ज़्यादा, तो यहाँ पे उससे भी महंगा। आप तो वियना गए हो, वियना में कितना था, वियना में तो वियना नहीं गया मैं, आप ऑस्ट्रिया गए हो, नहीं ऑस्ट्रिया गया हूँ मैं, मैंने बस फ्लाइट ली है, अच्छा। मेरे पासपोर्ट पे वियना का स्टैम्प भी, अच्छा अच्छा। भाई राजा को कुछ खरीदना था, ये अपना खाना खुद ही बनाता है, तो नेटो मतलब थोड़ी चीप मार्केट्स में से आती है, तो यहाँ से खरीदेंगे, कितनी वेस्टेज है ये देखो, पहले हाथ में पहनो ग्लव्स, यहाँ से ग्लव्स लो, फिर ग्लव्स यहीं डस्टबिन में डाल दो, और फिर इसमें डालो अपना जो डोनट फोनट जो भी चाहिए आपको, और यही सबसे ज़्यादा देश चिल्लाते हैं इन्वायरमेंट बचाओ इन्वायरमेंट बचाओ, और सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट की माँ बहन यही कर रहे हैं, अपने साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा होता है प्लास्टिक, हाँ पर ये सबसे ज़्यादा चिल्लाते तो ये है ना, तो यही है, यहाँ से ये खाएगा मैगी, ये बैकअप रहता है मान लो कभी 275 का 3 का मान लो, यानी कि 36 रुपए इंडिया में 12 की आती है ना, सस्ती है, और पर इसके लहर कब को किचन चाहिए बनाने के लिए, जिंदगी में किसी कॉमिक बुक स्टोर में आऊंगा, ये मैंने कॉमिक्स देखी हैं कि स्पाइडरमैन की फर्स्ट एडिशन जो होती है वो 40,000 डॉलर $60,000 की बिकती है, अभी तो 30 में बिक रही है अभी,
30 करोना में बिक रही है, तो कंडीशन पे भी डिपेंड होता है। ये तो खैर नहीं है, वो नहीं तो काफी पुरानी पुरानी है। कहाँ पे देखा था तूने? तू तो यूएस गया नहीं, तूने कैसे देख लिया? हिस्ट्री टीवी। अच्छा, वहाँ यूएस का शो आता है ना पॉर्न स्टार, उस पे देख रहा था मैं। तो काफी बड़ा स्टोर है यार, अच्छा लग रहा है। और इंडियन रेस्टोरेंट वालों ने रिक्वेस्ट करी, मतलब ये थोड़ा टेक अवे टाइप रेस्टोरेंट है कि अंदर बैठ के खा लो हमारे में। ये हमारे पास बुकिंग है, 3-4 बंदे वो आ रहे हैं, अंग्रेज होंगे वो। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं यार, इंडियन रेस्टोरेंट वाले हमारी मदद करते हैं। अंग्रेज बोलते हैं तो भाई इंडियन रेस्टोरेंट वाले मेरी इतनी मदद करते हैं हर जगह, हम क्यों ना करें भाई। तो अभी ऑर्डर गया चना मसाला विद राइस 100 करोना का भाई, 1200 रुपये हो गए। नहीं नहीं ये तो तू दे रहा है ना नए फोन। अरे हाँ, जो मेरे पास 12 प्रो था वो राजा ने ले लिया, बड़े सस्ते में दे दिया ओनली $350। अब आप कमेंट करके बताना है भाई मैंने सस्ता दिया महंगा दिया। जब मेरे 1 मिलियन होने पे ये शैंपेन की बोतल आज सुबह खरीद के लाया था, और हम सोच रहे भाई कहाँ खोले, हॉस्टल में खोल नहीं सकते और यहाँ पता नहीं क्या सिस्टम है, पर ये ठीक है। मेन स्क्वायर है क्या, ही खोल रहे हैं, चल खोल। पहले हिलाना पड़ता है, उड़ाना है भाई सबको। Happy 1 million subscribers, यात्री डॉक्टर। ये देखो इस बंदे ने कितनी बोतल रिटर्न कर दी, 115 करोड़, 116 करोड़ अभी डाल ही रहा है। हो जाएगा 13,000 का बोतल ही होगा। तो कुछ लोगों का ना इधर ऐसा होता है कि लोग रास्ते में कलेक्ट करते रहते डस्टबिन से, जो गरीब रहते हैं, और ये से डालते हैं फिर सामान खरीद कर आते हैं। ये इनका करियर ही बन चुका है कि इसी भी डस्टबिन में कुछ मिला उठा लो। और देखो एक दिन का घर 2000 का ये बन रहा है, 2000 का शॉपिंग कर लो, बस खाना वाना हो घर में जाके। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि इसको भी डालने का एक कोरोना मिलेगा। मेरे हिसाब से देखो इसके पीछे पेंट लिखा है, क्रोशिया में कुछ और लिखा होता था, तो इसका मेरे को लगा था ज़्यादा मिलने चाहिए। जा लियो ऐसे डाल ना। हाँ ऐसे डाल दो। अबे ये तो कट गया, डोनेट कर दे। नहीं आ गया, यानी एक ही मिला ना, पर उसको तो कईयों के डेढ़ डेढ़ दो दो भी मिल रहे थे, तो हो सकता है कुछ और आइटम होगा। तो भाई इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। कोपन में मजा आया। हाँ डेनमार्क ठीक था, जैसे और यूरोपियन सिटीज हैं वैसी थी, कुछ भी अलग नहीं था। दो नाइट से ज़्यादा रुको ही मत, कहीं पे भी मत रुको किसी भी सिटी में दो नाइट से ज़्यादा, तो ठीक है दो नाइट बहुत इनफ है। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, आपको पता चल गया होगा डेनमार्क कितना महंगा कितना सस्ता क्या है क्या सिस्टम और क्या क्या घूमने की जगह, ये भी मैंने बता दिया। तो अब मिलते हैं भाई किसी और कंट्री में। 100 कंट्री के बाद ही मिलो, उससे पहले मत मुंह दिखाइयो। हाँ ठीक है, मेरी तो होने वाली है, अपनी करो। मैं तो कर लूँगा एक्सप्लोर जब आके देख लेना आप लोग। अभी चला गया था, कह रहा वीडियो एंड कर, ये करना था इसको वीडियो में। ये जा रहा है अपना यात्री डॉक्टर। चलो बाय बाय बाय। चलो भाई अब मिलते हैं आपको कल सुबह सुबह, जितनी सुबह हो सकेगा। वैसे मेरा मोटिव है कि मैं सुबह सुबह 6 बजे की ट्रेन ले लूँ, पर 7:30 मेरा लास्ट है कि 7:30 की ट्रेन लेके स्टॉकहोम जाना है मेरे को। तो अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, नए देश में, स्वीडन में।